नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। बनाएंगे डोरमेट। डोरमेट बनाने के लिए साड़ी और दुपट्टे का आप यूज़ कर सकते हैं। बेस के लिए हमारे को कपड़ा चाहिए, या तो आप पुरानी पैंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जीन्स का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी साइज़ आप इसमें बना सकते हैं, कोई भी शेप आप इसमें बना सकते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, चारों साइड से फोल्ड कर इसे हम पूरा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, चारों साइड से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, जितना भी गैप आप इसमें छोड़ना चाहते हैं वो गैप छोड़कर आप वो निशान लगाएंगे। बीच बीच में हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम साड़ी लेंगे, साड़ी की स्ट्रिप जो है हम कट कर लेंगे। साड़ी को हम लेंथ से जो है हम कट करेंगे। साइज़ आप इसमें कोई भी कट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम ऐसे लेंगे और इसको लेंथ वाइज इसको हम इस तरीके से खींच देंगे। ये देखिए, तो बहुत ही आसानी से आपकी सीधी स्ट्रिप जो है वो निकल जाएगी। ये देखिए, स्ट्रिप इस तरीके से रेडी कर मैं इसे तैयार। ये देखिए, स्ट्रिप की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इस कपड़े को ऐसे रखेंगे और इसको लेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और बीच में से हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे, फर्स्ट राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे सेकेंड रो। सेकेंड रो बनाने के लिए हम कपड़े को इस तरीके से ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे हमारा गैप जो है वो इस तरीके से यहाँ से इतना गैप आ जाएगा और इसको हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए बीच में इसी तरीके से हम स्टिच करते जाएंगे। इसे ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने ये देखिए सेंटर में जो है मैंने बीच में इसमें कटिंग की है। आप इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप ये जो है डोरमेट बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ